नमस्कार। नमस्कार। ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या सरसों का पौध लगाने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं? अच्छा, क्या है सरसों का? सरसों का यह खेत कैसे तैयार करते हो आप ये लोग? खेत गेती फावड़ा से हल से बड़े जुता करके उसकी पाटा लगाते हैं, तो और उसके साथ गोबर खाद भी मिला देते हैं। गोबर की खाद मिलाने से क्या होता है? गोबर की खाद मिलाने से मिट्टी एक तो मुलायम रहती है और पौधा की बढ़ोत बड़े होती है, पौधा जमता अच्छा है। चलो अब पहले खेत तैयार करते हैं। चलो ठीक करो। असल में अब क्यारी बनाते हैं, ये पौधे से पौधे की दूरी यहाँ से यहाँ तक 60 सेंटीमीटर है, जी लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर। ये लकड़ी है 60 सेंटीमीटर की, हमको नाप के रखी है, जी तो इसे नापते हैं कि यहाँ से ये 60 सेंटीमीटर है। अभी इनके इनके सीध में नाले बनाएंगे 6 से 6 सेंटीमीटर गहरे पौधे लगाने के लिए। अभी नाले तैयार हो चुके हैं, इसको अब पानी डाल के 4 से 6 घंटे तक अपन रखेंगे। अभी पानी डाल दिया नाले में, अब इसको 4 से 6 घंटे तक रखेंगे और अब चलते नाले वो नर्सरी पे सरसों का पौध तैयार लेने के लिए। सरसों का पौधा उखाड़ लिया है, अब इसको बीजा मदद से अच्छी तरह इसकी जड़ को धोना है। इसकी जड़ को बीजामृत से धोने से क्या फायदा होगा? जड़ को बीजामृत से धोने से तो बीमारी रोग नहीं लगते हैं। जब जड़ को धोने के बाद 15-20 मिनट छांव में सुखाएंगे।
अभी लकड़ी हमने 25 सेंटीमीटर नापी है, जी आप पौधे से पौधे की दूरी है 25 सेंटीमीटर, जी यहाँ से इतना आएगा और यहाँ पे अपन एक पौधा लगाएंगे। अब पौधा लगाने से पहले दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले 20 से 25 ग्राम घनजीवामृत डालना है और उसके बाद पौधे को पूरा जड़ तक नहीं दबाना है। और हमने पौधे तो लगा लिए, इसको सिंचाई के समय ध्यान देना है, इसको समय समय पर देना है। सिंचाई कब कब करनी है? पहली सिंचाई पौधा लगाने से 10 से 15 दिन बाद, दूसरी सिंचाई 50 से 55 दिन बाद फूल आने पर, जी तीसरी सिंचाई फली आने पर सिंचाई करते हैं। पहले और दूसरी सिंचाई के बाद निंदाई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। जी आपने बहुत ही अच्छी सरसों लगाने की पद्धति बताई, अब मैं भी अपने घर जाके अपने खेतों में इसी प्रकार इसी पद्धति से अपने खेतों में सरसों लगाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।